मुझे सबको बतानी है, थोड़ी सी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल साहिल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, वीडियो को पूरा देखेगा और एंड तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या आपका मोबाइल PTN ने बंद कर दिया है? जी दोस्तों, ये बहुत दिन से ये मसला चल रहा है, ये 3-4 महीने हो गए मसला चल रहा है कि PTN मोबाइल बंद कर रहा है। जी दोस्तों, जो मोबाइल रजिस्टर नहीं है PTN से वो मोबाइल बंद हो रहे हैं। दोस्तों क्या आपका मोबाइल बंद हो गया है? क्या आप PTN से तंग हो गए हैं? क्या आपका मोबाइल बंद होने वाला है? क्या आपके मोबाइल के ऊपर भारी टैक्स लग गया है? क्या आपको अपना मोबाइल को रजिस्टर करवाने के लिए भारी टैक्स अदा करना है? तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल बंद हो गया या होने वाला है, या आपको अपने मोबाइल के लिए भारी टैक्स अदा करना है, दोस्तों भारी टैक्स अदा करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, आप भारी टैक्स से बचेंगे और अपना मोबाइल फ्री में रजिस्टर करा सकेंगे। जी दोस्तों, अगर आपको अपना मोबाइल फ्री में रजिस्टर करवाना है तो फ्री में अगर आपको अपना मोबाइल PTN से रजिस्टर करवाना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिए और पूरा देखिए। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरीका निकाला है, वो तरीका ये है कि अगर आपके घर में एक मोबाइल, सिर्फ एक मोबाइल अगर आपका, यानी आपका जो पर्सनल मोबाइल है जिसमें आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, अगर वो मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है या उस पर भारी टैक्स लग गया, अगर आपको उस पर भारी टैक्स अदा करना है तो दोस्तों आप उसको बगैर टैक्स के रजिस्टर करवा सकते हैं कोई एक मोबाइल। दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल को बगैर टैक्स के रजिस्टर करवाना है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अगर आपका मोबाइल PTN से अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है, बंद हो गया है, अगर आपको अपना भारी टैक्स अदा करना है तो आप इस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसका अमल करें। दोस्तों सबसे पहले अगर आपका जो अहले खाना यानी आपका जो फैमिली मेम्बर है या कोई जो आपका जो भी फैमिली मेम्बर जो उमरा करके आया, दोस्तों रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से लोग उमरे पे गए हुए या कोई भी किसी भी जगह पे गए हुए, दोस्तों आपको इसका पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। दोस्तों अगर आपका फैमिली मेम्बर यानी आपका जो जितना भी खानदान में किसी एक का भी पासपोर्ट होगा, यानी कोई बाहर गया होगा ट्रेवल करने के लिए, डायरेक्ट पाकिस्तान वापस आया होगा, दोस्तों इसको आपको तलाश करना है अपने पूरे खानदान में। आपको एक ऐसा बंदा तलाश करना जिसका पासपोर्ट हो, जिसका जो बाहर से ट्रेवल करके आया हो पाकिस्तान के अंदर, जिसका पासपोर्ट और वीज़ा हो। दोस्तों आपको एक पासपोर्ट नंबर की ज़रूरत होगी और आपका अगर शनाख्ती कार्ड है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों वो तरीका क्या है हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का फ़ोन डायल खोलना है। दोस्तों ये हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा तरीका निकाला, अगर आपका मोबाइल गैर रजिस्टर शुदा था उसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा लीजिए बगैर पैसों के, बगैर टैक्स के। दोस्तों अब यहाँ पे सर्च, दोस्तों आपको यहाँ पे डायल करना है स्टार, यहाँ पे आपको डायल करना है *8484 और हैश। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे डायल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से ऑप्शन आए हुए, 1, 2, 3, 4। दोस्तों आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस, सबसे पहले ऑप्शन पे आपको 1 पे लिख के सेंड कर देना है। दोस्तों वापस यहाँ पे आया है 1, 2, तो आपको यहाँ पे 1 पे कर लेना पाकिस्तान लोकल इंटरनेशनल, आपको सीधा सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको मांगेगा तो आपको वापस पहले पे क्लिक कर लेना इंटरनेशनल ट्रेवल फर्स्ट फ्री डिवाइस। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा लिखा हुआ है फ्री डिवाइस, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है, सेंड कर देना है। दोस्तों अब आपसे मांगेगा पासपोर्ट नंबर। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, अगर आपको कोई भी फैमिली मेम्बर, जी दोस्तों मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर से ट्रेवल करके आया है तो उसका पासपोर्ट नंबर, आप उसके पासपोर्ट नंबर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है अपने कोई भी फैमिली मेम्बर का जो बाहर से ट्रेवल करके आया है। हम यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ 20 कैरेक्टर का। दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ आपको चेक करवाने के लिए, लगे आपको पूरा प्रोसेस मालूम हो जाए इसमें आपको क्या क्या करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 20 नंबर डाल दिए, आपको अपना प्रॉपर पासपोर्ट नंबर डालना है और सेंड पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको मांगेगा प्लीज़ एंटर योर CNIC नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। दोस्तों फिर सेंड पे करेंगे, दोस्तों फिर आपको मांगेगा आपका NIC नंबर, तो हम यहाँ पे फिर से डाल देंगे। दोस्तों फिर से आपका NIC नंबर डाल देंगे, आप डाल दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा लेता हूँ ऐसे ही, तो आप जाके ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। दोस्तों बहुत अच्छी ये ऑफ़र है, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं तो आप उसको जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए। दोस्तों मैंने डाल दिए,
अभी हम इस पर क्लिक सेंड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल या यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा सिंगल ईमेल क्या आपका मोबाइल एक सिम वाला है, डुअल सिम वाला है, ट्रिपल सिम वाला है या क्वाड ईमेल है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल जो भी ईमेल पे यानी सिंगल सिम है आप डुअल सिम आपको यहाँ पे डाल देना। दोस्तों मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ डाल देता हूँ डुअल सिम ऐसे ही। दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट ईमेल आईएमईएल डाल देना है, जो दोस्तों आपको अपना फर्स्ट आईएमईएल डाल देना है और जो आपके मोबाइल का होगा, अगर आपका सिंगल सिम वाला तो आपको सिंगल डाल देना है, अगर आपका डुअल सिम वाला तो आपको डाल देना। दोस्तों अगर आपको अपना ईमेल नंबर आपको मालूम करना नहीं आता तो आपके मोबाइल के पीछे लिखा होता है तो आप वहाँ से देखकर यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर सेंड पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका डुअल सिम वाला होगा तो आपको अपने दो ईमेल नंबर डालने और सेंड पे क्लिक कर लेना। दोस्तों बस यहाँ पे आपको ख़त्म कर लेना। दोस्तों उसके बाद आपको पीटीएस एक मैसेज आएगा जिसका मतलब उस मैसेज में ये लिखा होगा कि आपका मोबाइल रजिस्टर हो गया है फ्री में। जी दोस्तों आपका मोबाइल फ्री में रजिस्टर हो गया है। आपको वहाँ से ये मैसेज आएगा 8484 के ज़रिए आपको वहाँ पे मैसेज आएगा पीटी आएगा, वहाँ पे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा आपका वेरीफाई हो गया, मोबाइल आपका रजिस्टर हो गया पीटीएस से और अभी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा तरीका निकाला जिसका पहला मोबाइल है घर के अंदर, तो अगर वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक नई वीडियो के मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।